ब्लॉग में डालूंगे टट्टी कचरे की। तो गाइस जो दादर में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था ना वो इसी जगह पे हुआ। सो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो भाई आज फिर से घूमने जा रहे हैं और आराम से भाई रुक जा। और हमारे बीच भाई एक और भाई है ऋषि, ये भी साथ में जा रहा है। झोरा कौन लटका रहे हैं आप? लॉकडाउन वाला सीन है क्या? क्या कितनी भीड़ है भाई? एक ही ट्रेन पे लगते कि अलग अलग हो जाएंगे? अरे चल भाई, इंजेक्शन नहीं लगवाना एक्स्ट्रा, मुंबई कुत्ते खतरनाक होंगे। स्टेशन के नीचे सुना था, ऊपर कौन है? मेरे को समझ नहीं आया प्लेटफॉर्म में। सुबह सुबह कौन? छी 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 छी, उधर ही डाइपर पड़ा है, क्यों कर रहा है वो? चलो किसी को नहीं पता। ब्लॉग में डालूंगे। बेस्ट टर्मिनल है इसका दादर का, पहुंच तो गए। और आवाज आ रही कि नहीं आ रही पता नहीं मेरे को, क्लियर आ रही कि नहीं आ रही है भाई। लोकल ट्रेन में क्या भीड़ रहती है। रॉयल्स रॉयल्स ले आ रहे हैं यार, थोड़ा बहुत घूमते। क्या बोला तूने? नहीं पहले क्या बोला? चल चल चलो। टैक्सी टैक्सी दिख रही यार, पैदल चलना पड़ रहा है भाई। ये बिल्डिंग देख के बस एक ही चीज याद आ रहा है मेरे को, अबे इसका सर कहाँ है रे? ये कुछ नहीं, मुंबई में 101 मंजिला का मंडी मंडी। ये कितने का होगा? ये अप्रॉक्स होगा 50-60 भाई। 101 इसका डबल हुआ फिर, ये जैसे पता ही नहीं था हमें। जैसे जैसे स्टेट बढ़ेगा ना वैसे वैसे इसका प्राइस बढ़ेगा। और फिर ये फ्लैट बना के बेच देते हैं इनको। हर फ्लैट का अलग कीमत रहेगा। अच्छा, अरे ऊपर से कैसी लग रही थी बिल्डिंग, बट नीचे से देख कितना तगड़ा व्यू है। मतलब क्या बन है ना, मतलब हाँ इनका सबका बुक हो गया होगा। कुछ पार्किंग लॉट तो ऑब्वियस बात होगी, लेकिन नीचे से ऊपर से लग रहा है जैसे पूरा ऐसे ही होगा, लेकिन नीचे से देख कितनी ऊंची भाई, मेरी तो मुंडी नहीं जा रही ऊपर तक। GTY सिटी में एक बिल्डिंग थी भाई जो पार्किंग लॉट बना हुआ था, एकदम उसके जैसा लग रहा है। अच्छा इधर ना ये रियल एस्टेट का बिजनेस बहुत चलता है मेरे को लगता है ना। इधर जमीन लिए, अब भाई कितने एरिया में जमीन हो गई है, उतने में सारे बिल्डिंग बना दी, 10-20 फ्लोर की बेच दिए, डबल ट्रिपल प्रॉफिट होता है इनको। जो रोड पे गाय बंदी होती है इनको पैसा दे खिलाते क्या चारा? हाँ भाई पूरा पैसा दे के, जो बैठे रहते हैं उनको पैसा दो और फिर आप उनको चारा खिला दो। जैन लोग खिलाते हैं ऐसे, खिलाना तो हिंदुओं को भी चाहिए, इधर नहीं होता। इधर भी शूज वगैरह उतारना पड़ता क्या अलग से? संतपाल भाई लेकिन भाई लाइन ही बहुत लंबी लगी हुई है और आज टाइम भी कम है, लेकिन चलो देखते हैं, दर्शन तो करके ही चलेंगे। ये बोलो जाना किधर साइड है? सीधा जाना है किधर साइड? सीधा पूरा भाई फाइल ले। अच्छा बैग वगैरह सब चेक होता है? बड़ा भाई ऐसे स्टॉल्स लगे होते हैं यहाँ पे, आप ले सकते हो प्रसाद वगैरह। भाई साहब सिक्योरिटी लेवल तो बहुत तगड़ी है इधर की, पूरा स्कैन होगा इधर। भाई बैग तो चला गया तेरा, पहली बार देख रहा है इसको। बीच में खड़ा मत रहो। मेरे को पुलिस वाले ने बोला कि वीडियो बंद कर, मैंने बोला भाई बंद है। अभी और आगे है यहाँ से लाइन का सीन तो नहीं है? यहाँ से नॉर्मल जा सकते, अभी आगे है भाई यहाँ पे। हाँ भैया साइड है। सॉरी यार, कोई ना उतारना है, ये पहली बार ऐसी भीड़ देखी मैंने भाई। यहाँ से लाइन स्टार्ट हो गई और ये पूरा लाइन ही गई है ऐसे घूम के, वो अंदर साइड पूरा बुक है क्या स्लॉट? बुक है ले, जूते रखने का भी जगह नहीं है, सोच लो इतनी भीड़ है। ये पूरी लाइन है जिग जैग पे लाइन की है। यहाँ की शॉप तो और तगड़ी लग रही है यार, कैश भी लगते हैं? नहीं लगता, सरकारी काम है। उतना दूर जाना वहाँ तक फिर वहाँ से यहाँ, फिर वहाँ, फिर यहाँ। एक दिन में आते होंगे भाई 10-15 लाख लोग, 1000 क्यों निकल रहा है मेरे मुँह से बार बार, लाख लोग आते होंगे। मोटा मोटा दिखा दो, मतलब ऐसे बाहर से स्क्रीन लगे हो, वो रहे भगवान, क्योंकि अंदर कंफर्म नहीं है कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, फोन अलाउ रिकॉर्डिंग। तो यहाँ से भाई देख लो अभी ये वाली एंट्री पे जो है ना, हम तो इधर जाएंगे सीधा उस लाइन पे, बट इधर ये 100 रुपये वाली एंट्री भाई, 100 रुपये दो और आधी दूर तक शॉर्टकट मार लो। हर जगह पैसा चलता है भाई, मंदिर में भी पैसा चलता है, जो पैसा ना दे वो वहाँ तक जाएगा, वो आगे वहाँ तक। जहाँ दो डंडा पड़ेगा ना पुलिस वाला, वहाँ याद रहेगा भाई डंडा कहाँ पड़ा है, इसलिए कूदने से बेटर है कि यहीं रहो। पता चले बोल दे जाओ शुरू से स्टार्ट करो, फिर चलो 100 मीटर पीछे। 2 घंटा हो गया होगा ना? हाँ। लगे है ना, 2 घंटे लग गया होगा। अच्छा लग रहा है लेकिन, हाँ। काफी प्यारा लग रहा है ना। और वो ऋषि भी बैठे थोड़ी देर, देखो ऐसे लगेगा सचमुच के बैठे हुए। हाँ हाँ हाँ, सच में लग रहा है कि सच में बैठे हुए हैं।
ये भी लग रहा है, वो भी लग रहा है जैसे बैठे, और वो पूरा रियल से लग रहा है, 3D में बनाया है। देख तो कितना अजीब लग रहा है ना, जा रहे यार देख ऐसे क्रिस क्रॉस जा रहे आ रहा जा रहे आ रहा, इल्यूजन क्रिएट हो रहा है कि नहीं हो रहा, उधर देख ज़ॉम्बी नहीं हो रहे ऐसे पूरा चल रहा है भाई मोरिया भाई, वो भीड़ भागी कितना है देखना रश कितना होता मोरिया वही चाय तो अच्छी है, सच में अच्छी चाय है। पहले भी चाय पी चुके और चाय पीने के बाद अभी निकल चुके भाई दादर चौपाटी की तरफ, भूख लग गई थी सबको, सुबह सब चाय पी के ही निकले थे नॉर्मल, और अभी फाइनली भाई जा रहे बहुत तगड़ा सीन दिखाने वाला, लिटरली बहुत तगड़ा सीन है और फर्स्ट टाइम देखने वाला लाइफ में, और अभी दिखाता हूँ। सारे एसी कितने लगे इस घर पे, कितने एसी हमारे मोहल्ले में लग जाए, पूरा मोहल्ला ठंडा ठंडा हो जाए। वो लहरों की आवाज की स्मेल है, काई काई वाली, सड़न सड़न काई काई वाली, भाई साहब एक नंबर लग रहा है ना अभी सच में गंदा, बीच तो सच में गंदा है, ये पूरा कोस्टल एरिया ना पूरा, क्या लग रहा है भाई भाई, लेकिन गंदा कितना है यार उधर साइड देखे। अरे वो छोड़ लहर की आवाज देख रहा कितना तगड़ा है, वहाँ चले वहाँ चले चल वहाँ चले, अरे आगे से थोड़े चलते ना वहाँ तक, क्या दिक्कत है, ये बैठो यहाँ पे वेले वेले। कैसा लग रहा है, सोच रहा इन बच्चों को ये लहर लपेट नहीं लेगी, छोटे बच्चों को भी घुसेड़ रहे उधर। क्या लग रहा है, क्या छुपा रहा होगा, खाना कहाँ है रे इसके पास, तू कोई भी चीज उसको दे अभी। अरे क्या हुआ भाई, अरे आजा 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 भाई, इनको डॉग कॉलर पहनाया गया जो रात में रिफ्लेक्ट करते हैं, ये मैंने किसने, अरे रतन टाटा जी ने किया था भाई ये सब चीज है, वो जो डॉक्टर ये देख डॉक्टर को ना, ये वाला डॉग कॉलर भाई 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 भाई, रोड देख के क्रॉस करियो, वो ट्रैफिक लाइट तो ट्रैफिक लाइट सब है अपना रोड, फ्रीवे वाला है क्या भाई, ऐसे ऐसे हाथ देख सीधे चल दो। तो भाई अभी फिलहाल निकल चुके घर की तरफ, वहाँ से आगे जूहू चौक, जूहू क्या नाम था उसका, चौपाटी से लौट आए और अभी जा रहे घर भाई। इस एरिया में एक भी मेरे को ढंग की गाड़ी नहीं दिखी, इससे बेटर अपने को उधर दिखी थी जी वैगन वगैरह, बटोर बटोर दिया था भाई अभी, आराम चलो यार तुम साइड में चलो यार, एक अंदर चले जाओ उसको भाई, चूके निकले उसको सट्टे से, उसके मुंह का एक्सप्रेशन देखा कैसा आया, सुनना वो गुल्फी वाला होना का पॉप 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 पॉप, वो दबाया उसने भाई पॉप पॉप। तो गाइस जो दादर में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था ना, वो इसी जगह पे हुआ था, कब हुआ था ये देखना पड़ेगा, बट जगह यही थी मंदिर के पास ही, ये मंदिर के पास है ना, ये मंदिर अभी बना हुआ एक्चुअली, उसके बाद बना ये मंदिर। ओए वो कबूतर के पास जा सकते उधर, चले चला देख क्या थे पास से, ये किसी ने पाला है यहाँ, ये सारे के सारे पालतू है, कितने कबूतर होंगे भाई यहाँ पे, अलग ही हवा लग रही है, उड़ रहे हैं इनको वो पैसे लेके खिला सकते हैं, वो बैठे कितने कबूतर है वो तो देख, पहली बार इतना बड़ा झुंड देगा कबूतर का यार, ओ भाई साहब, अंकल एक बार और उड़ा दो यार, दाने कैसे थे, कहाँ पे मिलेगा, कहाँ से लेना होता है ये दाने, क्यों रखे बहुत भीड़ है यार स्टेशन पे, अपनी 4 नंबर पे आ रही है तो ऊपर चढ़ के नहीं, ऐसा लगता है जैसे फेंक देगा बाहर को, ओए टीसी तो नहीं होगा भाई, कुछ ज्यादा भीड़ नहीं लग रही है अभी, सुबह ज्यादा भीड़ है ना अभी इस टाइम पे, प्लेटफॉर्म नंबर 4 इधर है,
अरे मतलब मेरा राइट अब खाली तो राइट है ना, बोलूंगा किसको घुमाते बोलूंगा। कॉमन सेंस तो भी लगा सकते भाई, राइट हैंड खाली तो राइट में ऐसे दिमाग खराब हो जाएगा मेरा तो। इतना बड़ा रेलवे स्टेशन है पर भी तो कैसे रहे भूसा जैसे। अच्छा इधर पुलिस भी रहती मैनेज करने को। रखो भाई फोन पॉकेट में, अदर कोई पास ले बटोर ले जाए मेरे को साथ में ट्रेन के साथ साथ। भीड़ तो इकट्ठा हो गई यार, ये सब उधरी वाले हैं उसी ट्रेन के भाई। देख के बड़ा आर्ट सी लगती है कि इतने पब्लिक है। आ गई आ गई आ गई आ गई, चल भाई कैप्चर सीधे पकड़ना है। मैं बोल रहा हूँ छूट गया भाई, इतना तेज से ट्रेन आई यार, ट्रेन की बार खराब देख रहे कहाँ। इसके चक्कर में सीट नहीं पकड़ा ना भाई, मेरे को लगा ये गायब हो गया। कोई दिक्कत नहीं भाई, जरूरी वो है सीट नहीं। फाइनली घर आ गया यार, और घर आके चाय वाय पिया, भूख लगी तो चाय ही बना लिया। अभी इसके बाद क्या है ना कि कितना बज रहा है, 9 बज रहा है भाई, 9 बजने को आया है। अभी सीधे जाएंगे खाना बनाएंगे और खाना बना के सीधे भाई सो जाना है, क्योंकि कल का फिर से कुछ ना कुछ प्लान बनेगा ही। अभी ज्यादा बकवास नहीं करते क्योंकि भाई सब थक गया, सुबह से कुछ खाया भी नहीं। और सुबह कितने बजे, 9 बजे निकले थे ना, 9 बजे के भाई निकले और सुबह से हमने कुछ भी नहीं खाया है। तो अभी इसका आज का ब्लॉग यहीं पे खत्म करते हैं और मिलते हैं कल। तो अभी मजा आया हो ना आप लोग को वीडियो देखने में, तो भाई प्लीज लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। तक के लिए बाय बाय।